फुल लोमड़ी। तो अभी मैं निकल रहा हूँ चाचा गोटा, टाइम हो गया है 5:46। देखो अभी अच्छा खासा एक्सप्लोर किया है, थोड़ा और आगे जाऊंगा, वहाँ पर भी कोई एक दो पॉइंट है जहाँ पर बोटिंग वगैरह कराई जाती है। और अभी सनसेट हो चुका है अच्छा खासा, अभी जैसे ही मतलब थोड़ी देर में देखना 10 से 15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल सन्नाटे वाला। मतलब ये एक पूरा फॉरेस्ट एरिया है, उसके साथ आप यहाँ का भाई वेदर चेक कर सकते हो, काफ़ी अमेजिंग है। और दो बच्चे मिले मुझे, एक कालू और एक नाम भूल गया तेरा, शैलेश। इन दोनों को भी मज़ा आया और इनको एक अलग ही लैंग्वेज आती है यार, वागड़ी। मैंने तो पहली बार सुना है वागड़ी भी कोई लैंग्वेज होती है, मतलब इनके गांव में बोलते होंगे। तो चलो अभी थोड़ा और आगे चल करके देखते हैं भाई कैसा है। और ये चाचा कोटा मतलब देख लिया, इसके बारे में कुछ हिस्ट्री तो है नहीं। मतलब ऐसा है ना कि बीच बीच में काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड टाइप के टापू बने हुए, मतलब जहाँ पर बीच बीच में पानी स्टोर है। देखो यहाँ तक पानी है पूरा और वहाँ भी पानी है, मतलब हर जगह आप जितना दूर तक देखोगे ना पानी ही पानी है। मतलब यहाँ पर पानी की कमी होती ही नहीं है बेसिकली, और फिशिंग वगैरह भी आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके साथ लाइट वगैरह भी नहीं है और गांव में छोटे छोटे घर हैं जहाँ पर भाई लोग कैसे गुजारा करते हैं आई डोंट नो। मतलब ना लाइट है, बट मुझे नहीं लगता कि लाइट आती होगी यहाँ पर, रहती होगी लाइट। चलो अभी देखो निकलते हैं, देखते आगे कुछ अगर इससे अच्छा व्यू पॉइंट तो भाई नहीं मिल सकता राजस्थान में कहीं पर भी। मैंने इतनी जगह घूमा हूँ बट ये वाला नजारा ही कुछ अलग है भाई, क्या नजारा है। हाँ यहाँ का जो वेदर है ना, दिल खुश हो गया भाई देख करके, मजा आ गया। और इसी से आगे है माही डैम, बट वहां जाने के लिए भाई पूरा लाइट चाहिए और अपना अंधेरा हो चुका है भाई। यहाँ पर देखो छोटे 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 टाउन टापूज बने हुए जो कि आपको दिख सकते हैं। और उधर तक चलते अपन जहाँ पर बोटिंग हो रही है। बेसिकली चाचा कोटा गाँव का नाम है, उसी के साथ यहाँ पर पूरा डैम वगैरह बोटिंग वगैरह सब कुछ होती है। यहाँ पर जो चाचा कोटा का मेन पॉइंट है वहाँ से थोड़ा दूर आओगे तो यहाँ पर बोटिंग वगैरह सब कुछ कराई जाती है। बट अभी देखो इवनिंग के टाइम आना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, मतलब जो ब्यूटीफुल सा नज़ारा आपको इवनिंग के टाइम दिखेगा ना वो मिड डे में नहीं दिखेगा और ना ही अर्ली मॉर्निंग दिखेगा। अर्ली मॉर्निंग बोटिंग नहीं होती यहाँ पर। उसके साथ भाई बोटिंग करना इज़ रियली नाइस, मतलब बोटिंग का एक्सपीरियंस लेना काफ़ी मज़ेदार है। मेरा सामान वगैरह सब कुछ वहाँ छोड़ दिया मैंने बाइक पर, इनके भैया है वो ध्यान रखना। एंड नाउ लीविंग फ्रॉम चाचा कोटा एंड यहाँ पर डैम है माही डैम, उसका ये वाटर सोर्स है पूरा, मतलब स्टोरेज एरिया है। तो भाई ये जो विलेज है ना चाचा कोटा भाई, इट्स फैबुलस, मतलब जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम। दिस इज रियल रियली अमेजिंग रियली, मतलब दिल खुश हो गया। अरे बोटिंग के तो पैसे भी नहीं दिए मैंने यार, फुल लोमड़ी। अच्छे फॉक्स। नाउ बैक टू होटल भाई, काफ़ी लंबा सफ़र करके वापस आए हैं, अभी फ्रेश होंगे, अच्छी तरह कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे कुछ खाने पीने। तो देखो गाइज अभी रेडी हो गया हूँ मैं, फ्रेश वगैरह हो गया हूँ। तो आपको सबसे पहली बात बताता हूँ कि जो बांसवाड़ा है उसको बांसवाड़ा क्यों बोलते हैं, बांसवाड़ा नाम कहाँ से आया। तो यहाँ के राजा थे बंसिया भील, उनके नाम से बांसवाड़ा का नाम रखा गया। एंड अगर आपको पता हो तो बांसवाड़ा को सिटी ऑफ 100 आइलैंड भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, जो माही रिवर है, माही डैम है जहां पर मैं अभी गया था, वहां पर नंबर्स ऑफ 100 आइलैंड्स बने हुए हैं, इसीलिए इसको सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर भाई देखने के लिए काफी सारे डैम्स, काफी सारे प्लेसेस है जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। एंड मैं रुका हूँ गैलेक्सी होटल में जो कि बांसवाड़ा में ही है। ये शायद से महाराणा प्रताप का एक स्टैचू बना है, उसके जस्ट पास में ये होटल है हाईवे पर, अगर आप उदयपुर से आ रहे हो तो। मेरा रूट आज का भाई बहुत डिफिकल्ट हुआ है, बिकॉज यार आपको ने जैसा कि देखा होगा 200 किलोमीटर के रूट को मैंने 300 किलोमीटर का कर लिया, जो कि मेरी गलती थी। मैंने मैप एक भी बार चेक नहीं करा, सीधा निकल गया उदयपुर हाईवे पर, जबकि मुझे जाना था प्रतापगढ़ हाईवे की तरफ।
जो कि मैंने सबसे बड़ी गलती करी आज की। देन उसके बाद जो व्यू अपन को दिखा दैट इज फैंटास्टिक फैब्युलस। अभी सीन ऐसा है ना कि अभी फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, थोड़ा सा मार्केट जाना है, टाइम हो गया 8:15 और मुझे SD कार्ड भी खरीदना है क्योंकि यार मैं आई एम नॉट कैरिंग माई लैपटॉप, डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो अभी मेमोरी कार्ड खरीदना पड़ेगा अगर मिलता है तो चलिए अभी मार्केट चलते, थोड़ा बहुत खाना पीना भी वहां पर कर लेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए नॉनवेज नहीं खाया और यहाँ पर कोई और वेज होटल है। इफ यू आर वंडरिंग कि मैंने ये आई ग्लासेस क्यों लगाए हैं तो आपको बता दूं, मैं अपना नाइट विजन ग्लास घर पर भूल गया हूँ। मतलब इस ट्रिप में मैं बहुत सारी चीजें भूल गया हूँ कि जैसे कि चार्जिंग अडेप्टर, अभी इसी से काम चलाना पड़ रहा है, दिखता थोड़ा कम है बट क्या करे यार, एक भी बग गया ना, एक भी मच्छर गया ना तो भाई आंखों की बैंड बच जाती है जैसा कि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियोस में देखा होगा। तो इसीलिए इसको लगाना इज सेफ, मतलब इससे मेरा काम चल रहा है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। देखो चार पांच लोगों से पूछने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ YK लजीज रेस्टोरेंट जो कि है बांसवाड़ा पर। यहाँ पर मैंने मंगाया चिकन लबाबदार जो कि दिखने में काफी अच्छा है भाई, काफी टाइम हो गया तो नॉनवेज खाए हुए। लेट्स हैव दिस और फिर खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं भाई, होप सो खाना अच्छा हो। सो गाइस मैं ना पूरा बांसवाड़ा घूम लिया और मुझे ना मेमोरी कार्ड नहीं मिला। जैसा कि बताया मैंने स्टोरेज अपना फुल हो चुका है तो इसके लिए मेमोरी कार्ड ढूंढ रहा था मैं बट नहीं मिला। बट खाना काफी लाजवाब मिला है, बहुत टेस्टी फूड मिला मुझे नॉनवेज जो मुझे खाना था, काफी दिन हो गए थे खाए हुए, मतलब एक दो दिन हो गए थे अच्छा खाना नहीं मिला था। खाना खाने के बाद अपन ने पकड़ ली एप्पी फिज़ और उसके साथ आइसक्रीम क्योंकि यार कल रात को इतना बड़ा रूम था ना कि नींद भी नहीं आई थी। अभी ये कोजी रूम है, काफी अच्छा है, छोटा है, कॉम्पैक्ट सा रूम है, टीवी वगैरह सब कुछ है। अभी भाई रेस्ट करेंगे, कल का देखते क्या प्लान है, कल कहाँ पहले जाना है वो डिसाइड करूंगा देन उसके बाद आपको बताऊंगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।